चावल के आटे से हम लोगों ने ये नए तरीके का समोसा तैयार किया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखें, अगर आपसे अच्छा बन जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसको चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगा था, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्राई पैन में 1 कप पानी लेंगे, थोड़ा सा नमक, फ्लेम को हम लोग हाई रखेंगे, नमक को थोड़ा हम लोग मिक्स कर देते हैं। हम लोग इसको गरम होने देते हैं, पानी हमारा गरम हो गया, उसी कप से 1 कप आटा डाल देते हैं। फ्लेम को हम लोग लो कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे। हमारा इस तरीके का ये तैयार हो जाएगा, बस हमें मिक्स करना है, मिक्स करते रहना है, बराबर से चलाना है, तो हमारा आटा ज़्यादा अच्छा होगा। ये हो गया हमारा ये तैयार। अब इसको ठंडा करके गूंद के रख लेंगे। थोड़ा सा डाला तेल, ज़ीरा, ये राई, ये अजवाइन और ये कलौंजी, सबको हमने फ्राई कर लिया। अब ये थोड़ा सा कढ़ी पत्ता, हरा धनिया, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इसको बारीक काट कर हमने डाल दिया। थोड़ी देर फ्राई किया और हमने ये आलू को उबाल रखा था। आलू डालकर हम लोग खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। हमें इसको अंदर डालना है, नमक डाला तो हमारा खूब अच्छी तरीके से ये मैश हो जाना चाहिए। ये हमारा मैश हो चुका, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। आटा डाला, उसमें नमक, राई, ये लाल मिर्च को हमने ऐसे चूरा बना दिया, हरा धनिया। अब पानी डालकर हम लोग इसको इस तरीके का तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक बार नहीं डालें, बहुत ज़्यादा हमारा गीला नहीं होना चाहिए, बस ऐसा हमारा परफेक्ट है। आटे को हमने गूंद लिया है, हाथ में लगाया तेल, ये चावल का आटा है तो हाथ में थोड़ा सा हमारा लग जाता है, तेल लगाएंगे तो नहीं लगेगा। ये तेल डाल दिया हमने गरम होने के लिए हाई फ्लेम पर। थोड़ा सा ये आटा लिया, उसको हाथ ही से, ये बेलन से नहीं हो पाएगा सही से, हाथ से ही इसको इस तरह इतना बड़ा साइज कर लेंगे। अब इसमें जो हमने आलू के भरते का ये बनाया था वो उसको डाल देंगे, ये देखिए, और इस तरीके से खूब अच्छी तरीके से इसको पैक कर देंगे। हमारा खूब अच्छी तरीके से पैक हो जाना चाहिए। ये देखिए, समोसा की तरह हमारा हो गया तैयार। अब इसको हम लोग चाकू से थोड़ा सा कट कर लेंगे अच्छा दिखने के लिए, तो चाकू से इस तरह हम लोग कट कर लें बराबर से। ये देखिए, इस तरीके से हमारा कट हो जाए। अब जो हमने आटे का घोल बनाया था उसमें इस तरीके से डालें जैसे आपको सहूलत हो, बहुत होशियारी से डालें, ये टूट सकता है चावल के आटे का। अब हमारा तेल गरम है, उसमें हम लोग इसको इस तरीके से डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे, जब भी हमारा ये ऊपर से क्रिस्पी हो पाएगा, बहुत ही कुरकुरा था, तो उसी तरीके से हमारा ये तैयार हो जाएगा। फ्लेम को हाई रहने देंगे, लो बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो सही से हमारा ये नहीं बन पाएगा। देखिए कितना अच्छा ये कलर हो गया। अब हम लोग इसको पलट देंगे, पलटकर दोनों तरफ हमारा कलर इस तरीके का हो जाना चाहिए। जब भी हमारा अच्छा से अच्छा हो पाएगा, तो देखा कितना आसान है। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा तैयार। तो अब हम लोग इसको निकाल रहे हैं किसी भी चटनी के साथ, जो चटनी आपको पसंद है उसी के साथ हम लोग इसको खा सकते हैं। तो चलिए डिश आउट करते हैं सबको। हम लोग इसको इस तरह से निकाल लेंगे, आप प्लेट में चटनी के साथ किसी को भी देंगे, बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगा, ये टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, अच्छा बन जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।